1v1 सिचुएशन, यूनिक ओल्ड बॉय यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं एंड वहाँ पे सोल हील बैटल कर रहे हैं, मॉडर्न हील बैटल कर रहे हैं एंड टीम कैसो के प्लेयर भी यहाँ पे हील बैटल करते हुए एंड यहाँ पे गेम खत्म हुआ। मुझे नहीं पता कौन जीता है एंड यहाँ पे सोल कमिंग अप विद अ चैट चिकन डिनर इन द थर्ड गेम ऑफ डे वन। नौवे पोजीशन पे 20 पॉइंट्स के साथ बीटीआर के प्लेयर्स वो दोनों किल लेने के लिए बहुत ज्यादा उतारू होके रखे हैं, उनको वो किल्स चाहिए। और यहाँ पे मेगा वर्सेस जूड ड्रैक्स पर मेगा ऑनलाइन 24 के पास हल्की सी हेल्थ एडवांटेज थी पर हेल्थ एडवांटेज खत्म, यहाँ पे बीटीआर ने स्पॉट किया, उनको फिनिश किया। हम आ चुके हैं 7 टीम 20 प्लेयर्स सोल के सामने, टीम कैसे की पूरी टीम है। सोल वर्सेस टीम कैसे होने की बहुत चांसेस है यहाँ पे। रिजल्ट ऑफ स्लज गॉड मुझे दिख रहे हैं, वाइपर मुझे दिख नहीं रहा। वहां पे सातवें नंबर पे आदर क्यू एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं 6 टीम 19 प्लेयर्स सोल यहाँ पे 2 किल, टीम कैसो 4 किल, बीटीआर 5, यूनिक 4, एआरडब्ल्यू 2 और C9 2। यहाँ पे टीम कैसो के तीनों प्लेयर्स मार्को एक्सेल और आयला होल्ड कर रहे हैं, क्लच गॉड वहाँ पे अकेले अपना कमान संभाल रहा है। वाइपर यहाँ पे स्मोक्स करते हुए खुद को सिक्योर करना चाहेंगे एंड वहाँ पे मीनवाइल एआरडब्ल्यू के क्रेजी गोय ने जक्सी को कार बस में फिनिश ऑफ किया। यहाँ पर बीटीआर के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी थी बट देन ऑन दी अदर हैंड मैकॉय ने वहां पर एक और प्लेयर डाउन किया। एआरडब्ल्यू फाइट लेने के लिए पूरा तैयार हो चुकी है। बीटीआर जो कि वीकेंडी के अंदर अनकंटेस्टेड रहती है, उनके सामने कोई और टीम नहीं आ पाती, वो दिक्कतों में आ चुकी है। क्लच गॉड आप देख सकते हो टीबी भी ले रहे हैं बिकॉज टीक्यू की स्क्वाड आगे आना चाहती है। क्लच गॉड का टीबी का गेम प्ले एंड इसके बाद देखना पड़ेगा कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग होती है। यस यहाँ पे सोल की टीम बहुत ही प्यारे तरीके से होल्ड कर रही है, इन लोग सबसे सिक्योर स्पॉट पे। इनके चारों तरफ प्लेयर्स वहां पे लापिस ने नेट से 2 प्लेयर्स के बीटीआर को नॉक किया, मैकबॉय अकेला बचा है। 3v1 सिचुएशन है बीटीआर के मैकबॉय के लिए। यहाँ पे क्या लैपिस उनको अच्छा लैपिस पहले फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। 17 प्लेयर्स अभी बचे हैं, 6 टीम्स मतलब एवरेज में हर टीम के पास 1.9 प्लेयर्स है, 2 प्लेयर ऑलमोस्ट 3 प्लेयर ऑलमोस्ट हर टीम के पास है, 2. उसके ऊपर का एवरेज है। यहाँ पे बीटीआर की टीम एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं टॉप 5 में। सोल 4 मैन के साथ सर्वाइव करी है, टीम कैसो 4 बंदों के साथ सर्वाइव कर रहा है, यूनिक की टीम 3 मैन 4v4v3v3v1 का सिचुएशन है। यहाँ पे टीम कैसो पुश करेगी सोल के ऊपर, वहां पे यूनिक के रॉज ने नॉक किया, एआरडब्ल्यू के लैपिस को यूनिक के याशा ने नॉक किया, यू नो क्रेजी गोय ने नॉक किया याशा को। ट्रेड काफी अच्छा चल रहा है सोल वर्सेस टीम कैसो, बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। क्लच गॉड को पता है टीम कैसो के प्लेयर्स वहां पे होल्ड कर रहे हैं, क्लच गॉड यहां पे फाइट लेना चाहेगा बट आई गेस यहां पे थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो गया टीम कैसो के लिए। क्लच गॉड यहां पे हिट्स ले रहे हैं पीछे से, रेगल्टोस अगर आके पूरी स्क्वाड वाइप कर देता है क्योंकि बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बाकी के जो 2 टीम है उन लोग ऑलरेडी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, यूनिक के रोज यहां पे प्रोन्ड है एंड यहां पे सीनन पायरा ने उसको पिक ऑफ किया। सीनन पायरा अपनी टीम के लिए अकेले बचे हैं, यहां पे यूनिक थर्ड पार्टी हो रही है। टीम कैसो वर्सेस सोल सबकी नजरें इस पे है, मेरी नजर इस पे है, ओशन तेरा नजर इस पे है। मुझे पता है ये फाइट से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सोल यहां पे ले जाती है ये चिकन डिनर, उनके लिए कोई नहीं रोक सकता। पर टीम कैसो के तीनों प्लेयर्स एक साथ घूम रहे हैं, सोल स्प्लिट ना करे, पुश करे तो चारों एक साथ करे एंड एक इजी स्क्वाड वाइप और एक बहुत ही बेहतरीन शानदार चिकन डिनर हो सकता है। क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है सारे प्लेयर्स बाहर की तरफ स्प्रेड आउट है, सबको कंपाउंड के अंदर आना होगा। सो आई गेस इस सिचुएशन में इस जो भी टीम कैसो सोल में फाइट जीतता है उनके पास एडवांटेज आएगा। मीनवाइल क्लच गॉड पीछे से आके आयला को नॉक ऑफ करते हुए एंड यहां पे टीम कैसो के मार्को और एक्सेल घबरा रहे हैं, घबराने की बात है। सामने है टीम सोल, टीम कैसो का मिस्टेक वहां पे एआरडब्ल्यू के ऊपर को नॉक करते हुए टीम एआर यहां पे आउट होते हुए हम आ चुके हैं टॉप 4 में। मिस्टेक पास के ले चुके हैं, क्लच गॉड आते हुए 1v3 करते हुए एंड यहां पे सुक्या बेहतरीन प्ले हमें देखने को मिला क्लच गॉड की तरफ से एंड वहां पे क्लच गॉड शायद नॉक हो जाएगा क्योंकि उनको जोन के अंदर भागना है। क्लच गॉड यहां पे नॉक हो चुके हैं प्ले जोन से, सी9 के पायरा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे वाइपर नॉक्ड है, मॉर्टल काफी लो ऑन हेल्थ है, रेगल्टोस अकेले अपनी टीम के लिए बचा। ये गेम मुझे थोड़ा चेंज होते हुए दिख रही है, क्लच गॉड वहां पे फिनिश होते हुए, टीम कैसो के मिस्टेक काफी अच्छे पोजीशन में, सी9 के पायरा सर्वाइव कर रहे हैं, रेगल्टोस ने वहां पे फिनिश ऑफ किया, मॉर्टल बार हील बैटल करना चाह रहे हैं, रेगल्टोस यहां पे 10 HP मूव इन कर रहे हैं मिस्टेक पे पर रेगल्टोस यहां पे नॉक होते हुए एंड मिस्टेक यहां पे इट्स अ 1v1v1 सिचुएशन। यूनिक ओल्ड बॉय यहां पे हील बैटल कर रहे हैं एंड वहां पे सोल हील बैटल कर रहा है, मॉर्टल हील बैटल कर रहे हैं एंड टीम कैसो के प्लेयर भी यहां पे हील बैटल करते हुए एंड यहां पे गेम खत्म हुआ। मुझे नहीं पता कौन जीता है एंड यहां पे सोल कमिंग अप विद अ चैट चिकन डिनर इन द थर्ड गेम ऑफ डे 1 एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। उनके चेहरे में खुशी देखे, वाह है माथुर, रेगल्टोस, वाइपर और क्लच गॉड कमिंग अप विद एन अमेजिंग चिकन डिनर, क्या बेहतरीन हील बैटल एंड ये खुशी ये कॉन्फिडेंस देखे इनकी आंखों में, ये इनको पता कितना मोटिवेट करेगा डे 1 के तीसरे गेम में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम से चिकन डिनर लेते हुए। अमेजिंग, क्रेजी।
मेरे को ये पता है थग ने स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो भी टीम इस वाले मैच के अंदर चिकन डिनर लेगी वो टीम बहुत ज्यादा आगे जाएगी। एंड अब मेरे को लग रहा है कि सोल यहां से उनका पूरा रास्ता शुरू होता है एंड वो रास्ता अब नहीं रुकने वाला, अब नहीं थमने वाला। यहां पर उन्होंने फाइट ली, विला के एरिया को होल्ड करके रखा, वहां से फाइट स्टार्ट करी थी एंड वहीं पर फाइट एंड करी। पहले किल से लेकर के आखिरी किल टीम को इसके साथ उनकी फाइट शुरू हुई थी, वहां से लेकर के यूनिक के अगेंस्ट उनकी फाइट खत्म हुई। आप देख सकते थे यूनिक के पास 8 फर्स्ट एड्स थी, बट Soul came up with an amazing, glorious chicken dinner, and all the credit goes to all the four players जिन्होंने काफी regulated gameplay दिखाया। लेकिन Clutch God की अगर हम बात करें, 1v3 with an over commitment, सबसे प्यारी चीज थी वो पूरे पूरे weekend की, पूरे आज के दिन के जितने भी maps हुए, जितने भी games हुए, and Soul के हाथ में एक chicken dinner आया। ये chicken dinner यहाँ से उनकी journey start करता है आगे के लिए, कल के matches के लिए, आज के आखिरी match के लिए, and फैन फेवरेट टीम जो कि पूरे साउथ एशिया की होनी चाहिए, उन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। एंड यस, गो इंडिया, गो सोल। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे में काफ़ी अच्छा गेम था, ये बहुत ही टफ गेम था निकालना किसी भी टीम के लिए। लास्ट में हील बैटल से हमने देखा है किस तरह से टीम्स इस चीज़ को सिक्योर किया अपने लिए यहाँ पे। ऑल दो मैं दाद देना चाहूँगा जो भी टीम कैसे काफ़ी देर तक खुद को होल्ड कर पाए, वहाँ पे मिस्टिक ने बहुत ही प्यारे तरीके से पिकऑफ भी किया था लास्ट में, रेगल्टॉस को थोड़ा ओवर कमिट कर दिया था रेगल्टॉस, बट अल्टीमेटली हील बैटल में सिचुएशन आ गई थी। एंड हील बैटल में जिसको हम बोलते हैं मॉर्टल से बेहतर हील बैटल कौन ही कर लेता है। एंड यहाँ पे क्लच गॉट को आप देखे थे जोन से पिक ऑफ हुए थे, रेगल्टॉस वहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे। कौन सी टीम्स है जो हमें फेवरेट्स की ओर दिख रहे हैं, कौन सी टीम्स है जो अपनी अच्छी बढ़त बना के रखती है बाकी टीम्स की ओर, पर उसके लिए अभी सफर काफ़ी बचा। आज हमारे हम मूव ऑन करेंगे अगले गेम में जो कि हमारा इरेंगल का गेम रहेगा, लास्ट गेम, एंड की प्लेयर ऑब्वियसली क्लच गॉट विथ 4 किल्स, 1000 डैमेज एंड 71% डैमेज, मतलब ये हमारी ऑलमोस्ट शॉट एक्यूरेसी की बात हो गई आई गेस। एंड यहाँ पे डैमेज 1000 का, मतलब बहुत ही बेहतरीन डैमेज एंड 4 किल पॉइंट्स लेते हुए व्हाट अ प्ले, मतलब जिस तरह से क्लच गॉड ने उस टाइम टीम कैसो पे पुश किया था, आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब फॉर हिज टीम। ओवर कमिट करके बाहर पुश करना ये सबसे बड़ी चीज थी, एंड वहां पर उन्होंने पहली चीज जोन उनको डैमेज दे रहा था, बट स्टिल 3 प्लेयर्स को नॉक किया टीम क्वेस्टो के। वहां पर मिस्टिक जो कि मोर्चा संभाल रहे टीम क्वेस्टो के लिए, उनको नॉक किया अलग से, सो बहुत अच्छे तरीके से, एंड उसके अंदर भी 71% डैमेज एक्यूरेसी। वो होता है कि आप स्प्रे कैसे करते हो, आपकी गन